हेलो फ्रेंड्स, मैं शूली बैनर्जी हिंद खोज के इस न्यू लर्निंग सेशन में आप सबका स्वागत करती हूँ। यहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था आर्टिकल्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, कहाँ कहाँ यूज होता है। आज हम बात करेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में, यानी कहाँ कहाँ आर्टिकल्स यूज नहीं होते। इनके भी रूल्स हैं, इनके भी कायदे हैं कि कहाँ वो यूज होंगे और कहाँ यूज नहीं होंगे। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं और सीखते हैं आर्टिकल्स कहाँ कहाँ यूज नहीं करने हैं। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है बिफोर अनकाउंटेबल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउंस। अनकाउंटेबल नाउंस है जिससे आप गिन नहीं सकते, ऐसी चीजें, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आपकी जो भावनाएं हैं उन चीजों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जिनको हम डिस्क्राइब एज सच कर नहीं सकते एक चीज की तरह। तो देखते कुछ एग्जांपल्स। हनी इज स्वीट, हम नहीं कह सकते द हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट क्योंकि अनकाउंटेबल है। आई लव कॉफी, हम नहीं कह सकते आई लव अ कॉफी और द कॉफी, क्योंकि कॉफी भी अनकाउंटेबल है। Wisdom is better than riches. अब ये जो कहावत है, ये कहावत है, हम बात कर रहे हैं wisdom की, जो एक abstract noun है, और इसीलिए इसमें भी article use नहीं हुआ है। Virtue is its own reward. Virtue भी जो है एक abstract noun है, और इसीलिए इससे पहले भी कोई भी article use नहीं होगा। लेकिन uncountable noun से पहले कुछ कुछ situation में आर्टिकल यूज हो सकते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कह सकते हैं वुड यू प्लीज पास द शुगर ऑन द टेबल। मैं कह रही हूँ शुगर तो अनकाउंटेबल है, लेकिन हमने क्या कहा, मैं कह रही हूँ जो शुगर टेबल पे रखा है, वही पर्टिकुलर शुगर, उसको क्या आप पास कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप द यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउंस। प्लूरल बहुवचन, काउंटेबल जिनको आप गिन सकते हैं, ऐसे नाउन से पहले भी हम यूज नहीं करते। जैसे चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ अ नेशन, हम नहीं कहेंगे अ चिल्ड्रन या फिर द चिल्ड्रन, ये गलत होगा। कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स, हम नहीं कह सकते द कंप्यूटर्स आर यूजफुल मशीन्स, वो गलत होगा। लेकिन हाँ, किसी किसी सिचुएशन में यहाँ पे भी द यूज हो सकता है, अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं वेयर आर द चिल्ड्रन, यानी हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, सभी चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए द जो आर्टिकल है वो यूज हुआ है। दोस्तों, आर्टिकल्स कंट्रीज के नेम के आगे भी यूज नहीं होते। So, हम नहीं कह सकते द जापान इज अ डेवलप्ड नेशन, हमें कहना है जापान इज अ डेवलप्ड नेशन, या फिर इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम नहीं कह सकते द इंडिया। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कुछ एक कंट्रीज के आगे आप देखेंगे द लिखा जाता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कौन से कंट्रीज के आके लिखा जाता है जिसमें उसके नेम में कहीं पे कोई कॉमन नाउन हो, जैसे यूनाइटेड किंगडम, किंगडम कॉमन नाउन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स कॉमन नाउन है। इस तरीके का अगर कुछ कॉमन नाउन उसमें है, तब उसके आगे द यूज होता है वहां पे। और आर्टिकल और कहां नहीं यूज होते, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस। जब भी हम किसी भाषा की बात करते हैं, उससे पहले भी आर्टिकल्स यूज नहीं होते। हिंदी इज अ नेशनल लैंग्वेज, हम नहीं कह सकते द हिंदी। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, अब इंग्लिश से पहले भी हम नहीं कह सकते द इंग्लिश, फिर वो गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि लैंग्वेज जब हम मेंशन करते हैं, उससे पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं और कहाँ पे आर्टिकल्स यूज नहीं होते। विद द नेम ऑफ मील्स, हम जो खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग नाम से उसको बोलते, उससे पहले भी आर्टिकल्स यूज नहीं होते। वी हैव लंच एट मिड डे, मिड डे में हम लंच करते हैं। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, ब्रेकफास्ट
डे का फर्स्ट मील होता है। ऐसी जगह पे भी आप आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। फिर आता है विथ प्रॉपर नाउन्स। जब भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जैसे कि किसी का नेम, किसी जगह का नाम, इनसे पहले कभी द यूज नहीं होता। लाइक अहाना इज एन आर्किटेक्ट, हम नहीं कह सकते द अहाना। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हम नहीं कह सकते द दिल्ली, वो इनकरेक्ट है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है कि जब हम किसी फैमिली के बारे में जैसे बात कर रहे हैं प्लूरल में, तो वहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। कैसे? द शर्माज आर वेरी काइंड। नाउ जब हम कहते हैं शर्माज, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल शर्मा फैमिली, ऑल द मेम्बर्स इन द फैमिली, प्लूरल हो गया। ऐसे सिचुएशन में हम द यूज़ कर सकते हैं। वी आर हैविंग डिनर विद द जैन्स, अगेन होल जैन फैमिली, प्लूरल है, यहाँ पे हमने द यूज़ किया है। दोस्तों एक और सिचुएशन जिससे, जिन चीज़ों से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं किए जाते, वो है जब हम मेंशन करते हैं ईयर्स, डेज, मंथ्स, सीजन्स या फिर फेस्टिवल्स। एग्जांपल में देखते हैं, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, हम नहीं कह सकते हैं इन द 1947। सी यू ऑन फ्राइडे, मतलब अगले फ्राइडे, लेकिन हम कह नहीं सकते सी यू ऑन द फ्राइडे, वो इनकरेक्ट होगा। ही विल कम होम ऑन दिवाली, ऑन द दिवाली इनकरेक्ट होगा। वी शैल गो देयर इन विंटर, इन द विंटर नहीं होगा, इन विंटर। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ लेसन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आपने बहुत सारी काम की बातें सीखी होंगी। कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंद खोज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।